धर्म चक्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब आपको झाड़ू से संबंधित चमत्कारी टोटके के बारे में बताएंगे जो आपको कर सकता है मालामाल। ये सब कुछ जानने के लिए सीधे चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा, आपका पारिवारिक ज्योतिषी। आज मैं आपको बताऊंगा झाड़ू से संबंधित कुछ चमत्कारी टोटके जो आपको कर सकते हैं मालामाल। आज मुझसे जानिए झाड़ू से सुख समृद्धि पाने के सरल, आसान और बहुत ही प्रभावशाली टोटके और दरिद्रता दूर करने के आसान उपाय। हमारे धर्म ग्रंथों में कई मान्यताएं, परंपराएं, शकुन अपशकुन बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति को सभी सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होती है। तो आज हम जानेंगे झाड़ू से जुड़े हुए कुछ शकुन और अपशकुन जो महालक्ष्मी की प्रसन्नता या फिर उनकी नाराजगी, उनकी अप्रसन्नता का संकेत देते हैं। झाड़ू का उपाय करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ आवश्यक बातें। झाड़ू वैसे तो बहुत ही सामान्य सी वस्तु है, हर घर में प्रयोग होती है, चाहे वह समृद्ध हो या बहुत दरिद्र व्यक्ति हो। लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में इसका सीधा संबंध महालक्ष्मी की कृपा से बताया गया है। झाड़ू हमारे घर से गंदगी रूपी दरिद्रता को दूर करती है और साफ सफाई के रूप में महालक्ष्मी की कृपा दिलवाती है। जिस घर में साफ सफाई होती है वहां माँ लक्ष्मी का निवास होता है। एक मान्यता के अनुसार संध्या काल के समय में, यानी शाम को सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे आर्थिक परेशानी, दरिद्रता घर में आती है और महालक्ष्मी आपके घर से रूठ करके चली जाती हैं तथा घर में लड़कियों की संख्या अधिक हो जाती है, यानी कन्या संतान अधिक होती है और वंश वृद्धि नहीं हो पाती। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में ऐसी भी मान्यता है कि झाड़ू को हमेशा लिटा करके रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने से घर में बहुत ज़्यादा झगड़े और कलह क्लेश की स्थिति बनी रहती है। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, अगर जब वो नया घर लेते हैं या अपना नया घर बनवा करके उसमें प्रवेश करते हैं, तब इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो झाड़ू है वो पुराने घर में ही ना रह जाए। यदि आप अगर ऐसा कर बैठते हैं, जब भी आप नए घर में प्रवेश के लिए जाएं, उस समय अपनी पुरानी झाड़ू और एक नई झाड़ू लेकर के ही अपने नए घर में प्रवेश करना चाहिए या अंदर जाना चाहिए। मान्यता है कि पुरानी झाड़ू यदि पुराने घर में छूट जाए तो लक्ष्मी पुराने घर में ही रह जाती है और नए घर में सुख समृद्धि विकास जो है वह रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू सिर्फ हमारे घर की गंदगी को दूर ही नहीं करती, बल्कि हमारे जीवन में आ रही दरिद्रता को भी घर के बाहर निकालने का कार्य करती है। झाड़ू हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि लाती है, यह बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है कि झाड़ू को कभी भी घर की छत पर या घर से बाहर नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग जो है उसे बालकनी में रखते हैं, खुले में, धूप में रखते हैं, जहां उसमें बारिश का पानी भी पड़ता है, निरंतर उस पर धूल भी पड़ती रहती है, धूप भी लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। झाड़ू का बार बार भीगना और बार बार सूखना भी बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है। ये आपको नाना प्रकार के रोग दे सकता है, शोक दे सकता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने अपने घर की लक्ष्मी को दरवाजे पे खड़ा रखा है या घर से बाहर रखा है, छत पर रखा है, वह भीगती है, सूखती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में कष्ट आपको ही आएगा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में चोरी की वारदात भी होती है और व्यक्ति के अंदर अनजाना भय उत्पन्न हो जाता है। आपको हमेशा अपने घर में, घर से बाहर जाने में डर लगता रहेगा। आपको हमेशा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में असुरक्षा की भावना परेशान करती रहेगी। हमारे पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है वहाँ धनहानि निरंतर होती रहती है, क्योंकि झाड़ू में धन की देवी माँ लक्ष्मी का निवास बताया गया है। ये बात मैंने आपको पहले बताई, तो इसलिए झाड़ू का आदर करना चाहिए। जिस प्रकार आप देवी लक्ष्मी का आदर करते हैं उसी प्रकार झाड़ू का सम्मान करना चाहिए। लेकिन इस बात का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप झाड़ू पर अक्षत, फूल, दीपक चला करके उसकी पूजा इत्यादि करने लगे, प्रसाद चढ़ाएं, उसकी पूजा आराधना करने लगे। इससे झाड़ू के आदर का संबंध नहीं है। झाड़ू को आदर देने का मतलब ये है
कि इसे आपको कभी पांव नहीं लगाना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चे जानकारी न होने के कारण झाड़ू पे पांव लगा देते हैं, झाड़ू पड़ी होती है साफ सफाई के लिए तो उसके ऊपर से कूद के जाते हैं, आते हैं, खेलते हैं। ऐसा करना माँ लक्ष्मी का और झाड़ू का अपमान है। देवी लक्ष्मी के रूठने पर धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जब भी घर की गंदगी साफ करें, इससे अच्छी तरीके से साफ करके इसके नियत स्थान पर रख दें, यानी आपका काम जब हो जाए साफ सफाई का तो झाड़ू को भी साफ करिए और उसकी जो एक सेट जगह है, सेफ जगह है, वहाँ रखिए। और दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह कि झाड़ू को छुपा करके रखना चाहिए। जी हाँ, जिस प्रकार आप धन को छुपा करके रखते हैं उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वालों की नज़रों से आपको दूर रखना चाहिए, छुपा करके रखना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक नियत स्थान बना करके रखते हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक नियत स्थान पर रखने की बजाय झाड़ू को कहीं भी रख देते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन यानी धन का आगमन जो है वह प्रभावित हो जाता है, बाधित हो जाता है। इससे आपके आय और व्यय में असंतुलन बना रहता है, इनकम कम होती है और आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं, जिसके चलते आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये मैंने आज आपको बहुत काम की बात बताई। आशा करता हूँ आप इन उपायों का अपने जीवन में अवश्य लाभ लेंगे। इसी शुभकामना के साथ कि आपका आज का दिन मंगलमय हो, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और चलिए इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दर्शन कराएंगे माँ कल्याणेश्वरी मंदिर के। फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।